आज हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2018 में पूछे गए कुछ बायोलॉजी क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? इन चारों में से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है? हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नहीं है, इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शंस है? पहला है सिल्क, दूसरा है एक्रिलिक, तीसरा है जूट, चौथा है कॉटन। पहले हम ये जान लेंगे कि नेचुरल फाइबर होते क्या है। तो जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं वो नेचुरल चीजों से हमें मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो जो हमारा नेचुरल सिल्क वॉर्म होता है, इंसेक्ट सिल्क वॉर्म, जो कि हमें सिल्क देता है, मतलब सिल्क हमें नेचुरली मिला है, तो ये एक नेचुरल फाइबर है। इसमें क्या पूछा गया है? जो नेचुरल फाइबर नहीं है, तो सिल्क हमारा नेचुरल फाइबर हो गया। एक्रिलिक क्या है? ये फिर मैनमेड है। एक्रिलिक क्या है? ये मैनमेड फाइबर है जो कि केमिकली बनाया जाता है फैब्रिक्स को। तो तीसरा क्या हमारा? जूट। जूट हमें किससे मिलता है? प्लांट से। तो ये भी नेचुरल फाइबर हो गया। कॉटन भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, तो कॉटन भी हमारा नेचुरल फाइबर हो गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है, ये एक नेचुरल फाइबर नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिंजर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, अदरक रूपांतरण है किसका? रूट मतलब जड़ का, स्टेम मतलब तने का, लीफ मतलब पत्ती का, फ्रूट मतलब फल का। इन चारों में से जिंजर किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। कौन सा मॉडिफिकेशन? किस उसका नाम है? राइजोम। राइजोम मॉडिफिकेशन, जो राइजोम होता है स्टेम में वो मॉडिफाइड होता है, उसी को हम किससे क्या बोलते हैं? जिंजर कहते हैं। रूट मॉडिफाइड हमारा कौन सा हो जाएगा? कैरेट है, जो जड़ का मॉडिफिकेशन है। लीफ मॉडिफाइड हमारे स्पिनच आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, टू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं किससे? थैलेमस से, पेटल मतलब पंखुड़ी से, ओवरी मतलब अंडाशय से, सेपल मतलब ब्रह्मदल से। इनमें से कहाँ से ट्रू फ्रूट्स डेवलप होते हैं? तो हम पहले ये जानेंगे, हमारे दो फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? वो हमारे डायरेक्टली ओवरी से डेवलप होते हैं। किससे डेवलप होते हैं? डायरेक्ट ओवरी से। और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो हमारे राइपन ओवरी, मतलब ओवरी का जो लास्ट स्टेज होता है, राइपन मतलब पके हुए, वहां से डेवलप होते हैं। और सिर्फ ओवरी से ही नहीं, फ्लावर्स के कुछ पार्ट से भी। फॉल्स फ्रूट में दोनों होता है, ओवरी प्लस फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स, और जो ट्रू फ्रूट होता है उसमें सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहले देखेंगे ट्रू फ्रूट का। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम ट्रू फ्रूट का। तो ट्रू फ्रूट का हमारा एग्जाम्पल है मैंगो। और क्या है? चेरी। चेरी भी हमारा ट्रू फ्रूट है, मतलब डायरेक्ट ओवरी से डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, अब आते हैं फॉल्स फ्रूट्स पे। किस पे? फॉल्स फ्रूट पे। फॉल्स फ्रूट का क्या एग्जाम्पल है हमारा? स्ट्रॉबेरी।
फ्रूट्स का क्या एग्जांपल है? स्ट्रॉबेरी। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप हमको कमेंट करके बताइए, एक एग्जांपल ट्रू फ्रूट का और एक एग्जांपल फॉल्स फ्रूट का, ठीक है? और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारा जो ट्रू फ्रूट है वो कहां से डायरेक्टली डेवलप्ड होता है? ओवरी से, अंडाशय से, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? प्लांट विच प्रोड्यूसेस बाय मींस ऑफ स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड इज, ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजागुड़ के माध्यम से प्रजनन करता है, मतलब जो सीड से नहीं स्पोर से हुआ हो, किससे डेवलप हुआ हो? स्पोर से। तो हमारा ऑप्शन में पहला क्या है? धनिया मींस कोरिएंडर, सरसों मींस मस्टर्ड, पेट्यूनिया और फर्न। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो सीड से डेवलप नहीं हुआ है? किससे डेवलप नहीं हुआ है? सीड से। तो हमारा होगा फर्न। ये जो हमारा फर्न है ये स्पोर से डेवलप हुआ है, सीड से डेवलप नहीं हुआ है। बाकी धनिया सरसों ये सब तो हमारे सीड से डेवलप हुए हैं। तो स्पोर से कैसे डेवलप हुआ है, कैसे एक प्लांट स्पोर से डेवलप होता है? जो हमारा स्पोर होता है ये पेरेंट प्लांट से, मतलब प्लांट से निकल के एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से कहीं दूर चला जाता है, उड़ जाता है, इधर उधर कहीं भी जाता है, और कहीं भी जाके एक जगह वो जब स्टेबल होता है, इन फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल होती है उसके लिए, मतलब ह्यूमिडिटी का ज्यादा हो जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, पानी जल या फिर टेम्परेचर कम ज्यादा होने, फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तब क्या करता है, जो स्पोर्स होते हैं हमारे वो एक स्पोर कोट के अंदर होते हैं, तो स्पोर कोट फट जाता है, ब्लास्ट होता है, उसके अंदर स्पोर निकलते हैं और वो सॉइल पे जाके गिरते हैं, तो एक नया प्लांट डेवलप करते हैं। कैसा प्लांट डेवलप करते हैं? नया प्लांट। तो उसका एग्जाम्पल है फर्न। फर्न किससे डेवलप होता है? स्पोर से, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एलिमेंट इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स इज, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है क्या? कॉपर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फिर आयरन। ये लोहा है क्या? लोहा मीन्स आयरन, यहाँ पे हम लिख देते हैं आयरन, ठीक, लोहा आयरन। तो जो हमारा प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है? मेनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन से। जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में हमारे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में। कोई भी चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, तो उसको डायरेक्ट फॉर्म में कभी नहीं ले सकता, कन्वर्टेड फॉर्म में लेता है। किसमें? कन्वर्टेड फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। इसका सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द एलिमेंट इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट। नाइट्रोजन बहुत आवश्यक एलिमेंट है किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? इसमें भी क्या पूछा है? गैर संचारी रोग नहीं है, नॉट ए, जहां पे हमको ये नॉट या फिर नहीं है दिखेगा, हम क्वेश्चन एक बार दोबारा फिर से पढ़ेंगे समझने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है हाइपरटेंशन, रिकेट्स, अर्थराइट्स, कॉलरा। इन चारों में से कौन सा गैर संचारी रोग है? नहीं है, गैर संचारी रोग नहीं है, बाकी सब तो गैर संचारी रोग है। ये है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज।
कॉलेरा, कॉलेरा के लक्षण क्या क्या होते हैं? लाइक मेनली हम देखते हैं उल्टी होना, एलर्जी होना, मेनली इसका क्या सिम्टम्स है? एलर्जी, किसी चीज से एलर्जी या फिर अनहाइजीन की वजह से भी हमें कॉलेरा होता है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। क्या नहीं है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, बाकी सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं कहां से? फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। हम सबको पता है बैक्टीरिया से नहीं होती है, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आती है, ना कि पेनिसिलिन एंटीबॉडी बनाने के काम में आती है। जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है फंजाई, ये सही ऑप्शन है। और कौन से फंजाई से? पेनिसिलिन किससे बनी है? पेनिसिलिन नोटैटम से। कौन से फंजाई से? पेनिसिलिन नोटैटम से। ये देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पेनिसिलिन एंटीबॉडी किससे बनी है? फंजाई से बनी है। कौन से? पेनिसिलिन नोटैटम। क्या नाम है इसका? पेनिसिलिन नोटैटम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Which one of the following is not a source of energy? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन, सॉरी विटामिन। क्या होगा? विटामिन। विटामिन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, विटामिन हमें कभी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। विटामिन क्या नहीं होता है? हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए विटामिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है। विटामिन क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। विटामिन क्या काम करता है? एज अ कैटलिस्ट काम करता है। कब काम करता है? जब ये तीनों एनर्जी रिलीज करते हैं, जब ये तीनों एनर्जी रिलीज करते हैं, तो जब एनर्जी रिलीज होता है उसमें विटामिन एज अ कैटलिस्ट काम करता है, मतलब उसको इनहेंस करता है, रिलीज ऑफ एनर्जी को इनहेंस करता है, मतलब बढ़ावा देता है, तो इससे एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा विटामिन। इसके पहले भी लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, हर साल विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2018 हम किसका पेपर कर रहे हैं आज, 2018 का, इसमें भी विटामिन का पूछ लिया गया है। तो विटामिन क्या हो गया हमारा? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है बायोलॉजी का। हर साल बायोलॉजी से विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम यूपी टेट की बात करें या फिर और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, डिकोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एक्सॉन। इसको तो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए। जो इंट्रॉन होता है इसको क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग सेगमेंट। क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग सेगमेंट। यहां लिख देते हैं, इंट्रॉन को क्या कहते हैं हम? नॉन कोडिंग सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इंट्रॉन को? नॉन कोडिंग सेगमेंट कहते हैं। 2018 में पूछा गया था कि कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए किसे कहते हैं, वो हमारा होगा एक्सॉन। शायद नेक्स्ट टर्म में पूछ ले कि नॉन कोडिंग सेगमेंट किसे कहते हैं, तो वो हमारा होगा इंट्रॉन। इंट्रॉन को हम क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग सेगमेंट।
ये म्यूटॉन है, म्यूटॉन क्या होता है हमारा, ये लेंथ है, किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए भी जिसके बोलो अंडर कोई म्यूटेशन म्यूटॉन लेंथ है, किसकी लेंथ है म्यूटॉन, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए किस, कौन से डीएनए जो कि अंडरगोइंग म्यूटेशन है, कौन से डीएनए के जो कि अंडरगोइंग म्यूटेशन है। और कोडॉन क्या है हमारा, कोडॉन हमारा है सीक्वेंस ऑफ थ्री डीएनए और आरएनए। कोडॉन क्या है, एक सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, तीन डीएनए या फिर तीन आरएनए का, ठीक है, जो कि सिग्नल को स्टॉप करता है, कौन सा सिग्नल को स्टॉप करता है, सिग्नल को स्टॉप करता है हमारे बॉडी में जब जो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम, किस टाइम पे सिग्नल्स को स्टॉप करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। कितना, किसका सीक्वेंस है ये, तीन डीएनए और आरएनए का, क्या कोडॉन, कोडॉन हमारा सीक्वेंस है तीन डीएनए और आरएनए का। इंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग सेगमेंट, एक्सॉन क्या है हमारा, कोडिंग सेगमेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा एक्सॉन। अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, 2018 का लास्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, सोडियम कॉपर कैल्शियम और सिलिकॉन, इन चारों में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, कैल्शियम, कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एक एलिमेंट या फिर सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में नीड होते हैं हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हमको कम अमाउंट में क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, कॉपर चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, ये तीनों हमको कम अमाउंट में चाहिए, कौन कौन से, सोडियम कॉपर सिलिकॉन, ये तीनों हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और जो कैल्शियम है हमारा वो हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए फंक्शन करने के लिए, इसीलिए कैल्शियम हमारा माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, क्या नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है कैल्शियम, ठीक। आज 2018 का पेपर यहीं खत्म होता है, अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। Thank you.